someone is really up themselves. Not in that sense. Oh, you got what you wanted. And me think I could possibly... Hey guys, welcome back to our channel. I'm Stevie Kane, this is Sri. Hey guys. You guys always know, we always like to experiment and try different things and not just do the same stuff again and again, mm-hmm. or see what other people are doing and do that. So we like to, you know, sometimes things are good, sometimes, but that's all about taking risks, isn't it? So there's another one that we're doing now. It's a storytelling open mic by Tape A Tale. And this one is Mujhe Tumse Pyar Nahi by Amandeep Singh. So something different. I can make a song out of that. Baskar, Baskar. Munde Kende Baskar. This is not, what's it called? In Darkshire, you know. Yes. I'm very bad at remembering dates. Birthdays, anniversaries, kabhi kuch yaad nahi rehta. But 30th March 2016, T20 World Cup chal raha tha aur main baith kar Facebook kar raha tha. Suggestions mein ek ladki ki profile aaye and I stopped. She was just beautiful. She is just beautiful. About section mein dekha to pata chala apni hi college ki junior hai. Acha, pehle main aap logon ko apne bare bata deta hoon. Class 12 tak meri zindagi mein dur dur tak koi ladki nahi thi. चाचा जी के घरों को मिलाकर भी हम पांच भाई ही थे, कोई बहन नहीं, और कॉलेज में मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी। तो लड़कियों से बात शुरू कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने उसका मैसेज बॉक्स खोला और टाइप किया, सुनो कल धोनी मारेगा, और सेंड कर दिया। कुछ दो चार घंटों बाद उसका रिप्लाई आया, सॉरी ? वॉज द अबव मैसेज फॉर मी ? विराट मारेगा। नेक्स्ट दिन इंडिया तो मैच हार गई पर अपनी इनिंग शुरू हो गई। अप्रैल 18 को उसका बर्थडे होता है, रात 12:30 से 1 के बीच मैंने उसे मैसेंजर पर विश किया और उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। जब कुछ नहीं आया तो उसका जन्मदिन खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले मैंने उसे फिर से टेक्स्ट किया, हे आई मे नॉट बी द फर्स्ट पर्सन टू विश यू बट आई विल श्योरली बी द लास्ट, सो हैप्पी बर्थडे। फट से उसका रिप्लाई आता है, थैंक यू, आप अलग हो। मैंने कहा तुम मुझे तुम कहकर बुला सकते हो। उस दिन से आने वाले 5 महीनों तक मैंने अलग अलग तरीकों से उससे उसका नंबर मांगने की कोशिश की और वो हर बार बहुत खूबसूरती से मना कर देती थी। पर समर वेकेशंस की शुरुआत में कहीं उसने अपना नंबर दिया। लगभग 2 महीनों के होते हैं भुवनेश्वर के कॉलेजेस के वेकेशन एंड कॉलेज खुलते साथ सामने था 4th ईयर और साथ में थी मेरी प्लेसमेंट्स। तो मैंने खुद से ये वादा किया कि इन 2 महीनों में दिल खोल कर कोशिश की जाएगी, अगर कुछ बात बनती है तो बहुत अच्छा, वरना जॉब और करियर पर ध्यान दिया जाएगा। तब हमारी रोज बातें होने लग गई थी। दिन के 2 ही मैसेज क्यों ना हो पर रोज। हम कॉलेज वापस आए और मैंने उससे मिलने के लिए पूछा। इससे पहले वो 2-4 बार मना कर चुकी थी पर उस दिन उसने हाँ कहा। शायद उस बार उसे भी मन था। That lunch was special for me। इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ पहली बार डेट पर जा रहा था बल्कि इसलिए कि उस दिन से पहले मैं अपनी माँ के अलावा किसी और लड़की के साथ अकेले बाहर खाने पर नहीं गया था। 21 सालों तक मैंने उस लम्हे को अपने पास महफूज रखा था और उस रोज मैं उसे किसी के साथ बांटने जा रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मुलाकात के बाद हमारे बीच कुछ ना कुछ बात तो बन जाएगी पर हमारी बातें होना भी कम हो गई। थोड़ी भुलक्कड़ सी थी वो, कभी कभी 2-4 वीक्स तक मेरे मैसेज का रिप्लाई करना भूल जाती थी पर मैं उसके रिप्लाई का वेट करना नहीं भूल पाता था। देखते ही देखते मेरी प्लेसमेंट्स आई और मुझे खुद से किया हुआ 2 महीनों वाला वादा याद आया। 2 के 5 महीने हो चुके थे और मुझे लगा कि नहीं, अब सब कुछ छोड़कर बस प्लेसमेंट और जॉब पे ध्यान दिया जाएगा। पर जहन में ये बात हमेशा थी कि एक बार उसे बताऊंगा तो जरूर कि कितनी खास है वो मेरे लिए। तो जैसे ही नौकरी हाथ में आई मैंने उसे दोबारा मिलने के लिए पूछा। इस बार मैंने उसे सब कुछ बताया, सब कुछ। ये तक बताया कि कैसे जब वो मेरे साथ होती है तो रोड क्रॉस करने टाइम गाड़ियों वाली तरफ मैं खड़ा हो जाता हूँ। किस तरह ये शख्स जिसे तारीखें याद नहीं रहती तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक लम्हे का सेकंड बाय सेकंड का हिसाब रखने लग गया था और जब तुम सामने होती हो ना तो अपना नाम तक भूल जाता हूँ। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। मुझे नहीं मालूम तुम इसका जवाब दोगी या नहीं, ये हाँ होगा या ना, बस तुम्हें बताना था। और वापस जाते वक्त मैं अपने हॉस्टल पर उतर जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां से वापस अकेले आने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हम गाड़ी में बैठे मैं पूरे रास्ते बेतुके जोक सुनाने की कोशिश करता रहा और वो उन पर हंसने की कोशिश। जैसे ही गाड़ी कॉलेज वाली रोड में आई मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा,
यू से यस, क्योंकि अगर तुम वो लड़की नहीं हो तो तुमसे मोहब्बत करके मैं उस लड़की से बेवफाई नहीं करना चाहता जो मेरी जिंदगी में आने वाली है. मेरा हॉस्टल आया, व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द कार आई फेल्ट हर हैंड ऑन माइन, मेबी शी वाज ट्राइंग टू होल्ड इट. आई स्टूड देयर एंड शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी विद अ स्माइल टिल द कार वेंट आउट ऑफ माय विजन. और उसके बाद ना कोई मुलाकात और ना ही कोई बात. दिन सप्ताह महीने बीते, जनवरी में मेरा बर्थडे होता है. मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि उसका मैसेज तक आएगा, पर जन्मदिन खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले उसका कॉल आता है. Hey, I wanted to be the last person to wish you happy birthday. मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या हम मिल सकते हैं? उसने कहा नहीं और फोन रख दिया. नहीं नहीं, ये कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती. मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था. मैंने तो हमेशा से ये सोच रखा था कि उसे एक ऐसा तोहफा, एक ऐसी चीज दूंगा जिससे जब वो पहने तो उस चीज को भी लगे कि वो मुकम्मल हो गई है. तो मैंने उसके लिए इयररिंग्स लिए, साथ में एक कार्ड और एक खत. वो खत जो उसके जन्मदिन पे, उसके जन्मदिन खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले उसके कमरे में था. बाकी सब चीजों के अलावा मैंने उस खत में लिखा कि अगर किसी कहानी को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन तो उसे एक हसीन मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए. जिंदगी में दोबारा अगर हम फिर कभी मिलते हैं तो सब कुछ भूल कर एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे. नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू विल ऑलवेज हैव दैट सेम रिस्पेक्ट इन माय आईज एज आई हैड फॉर यू व्हेन आई सॉ यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इसके बाद उसके 2-4 बार टेक्स्ट आए. उसने जानने की कोशिश भी की कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कहाँ हूँ, पर इस बार मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे मालूम था मैं जा रहा हूँ, सिर्फ कॉलेज से ही नहीं उसकी जिंदगी से भी. तो कॉलेज के आखिरी 2 महीने मैंने दोस्तों के साथ यादें जुटाने में लगा दिए. कॉलेज खत्म हुआ बिना एक भी क्लास गए, आखिरी सेमेस्टर पास भी कर गए. हम सब घर जा रहे थे. मैं स्टेशन पर था और मेरी ट्रेन लेट थी थैंक्स टू इंडियन रेलवे, बट आई वॉज हैप्पी बिकॉज द स्टेशन हैड फ्री वाईफाई. सो आई टुक अप माई फोन, वेंट टू प्ले स्टोर, डाउनलोडेड टिंडर एंड फेट द लोकेशन एज भुवनेश्वर फॉर वन लास्ट टाइम. एंड द वेरी फर्स्ट पिक्चर दैट पॉप्स अप इज दैट ऑफ हर. She is just beautiful. I look at her, smile, and swipe a right. It was different. Totally. I didn't know people did that. Like, you know, to go and tell a story. And but it's not, obviously, it's not just about telling a story. It's about how you deliver that story. And you delivered it really well. Because each time you're just there going, yeah, because... You don't know if it is personal, if it's not personal, regardless of what it is, it's the way he's telling it, you just feel it is. Yeah, I feel like people need to be straight, kind of straight away with how they feel about someone. Like, obviously, she'd been on dates with him and he still had no idea. You know what I mean? She obviously knew what he was feeling towards her. Mm-hmm. But I feel like in those situations, you need to be, because the other person needs to. You're leading someone on, aren't you? But then again, at the same time, you could be wanting to know the person. First, like, you don't know, you maybe you're thinking, okay, it might lead somewhere, but I don't know this person yet. Because it's one thing communicating via, like, you know, texts and calls and all that, but it's not the same as meeting someone in person, is it? I understand that, but clearly with this situation, it didn't seem like at any point that there was going to be anything further than what it was. He talks like us, though, like, you know, the English and the Punjabi. It was hard. Stories of it. A sad little way, a story. Come on, you do. I'm gonna do that. What? I'll do all my book buddy and kahaniya with Sri. Everything I had to go through. Did you? Oh no! I didn't go for anything. Sorry. You can't bring your work. If anyone went through anything, it was me. Yeah. मुझसे तुमसे मुझे तुमसे प्यार नहीं. So why was it called that then? Because she wasn't in love with him. She didn't like him. Waiting for? I don't know. Don't you wait for you to talk? I answered your question. Gotcha. Anyway, guys, tell us what you think of this video. Anyway, like, you know what I mean. We thought we'll try something different. I've seen stand up comedy. But, I mean, is this a big thing in India or not? Do people watch any of this kind of thing? I mean, if this video on its own, it's got over 8 million views. Just imagine if we did our story in this way and how we met and everything we went through in this way. God, there'll be bucket loads of people crying. The only thing. Why would they cry in a bucket for? Why would there be bucket loads of people?
I mean, why would you put people in a bucket and then carry them there? I didn't say they'd be in a bucket. You said bucket loads of people. So if a bucket is this much, you can't even get one bunda in a bucket. I didn't mean like that. So how are you going to get bucket loads of people? You know what I meant. So we're going to get bucket loads of people to eat bucket loads of tea. You know what? Just don't. Oh, so people are sitting there looking at our story. I'm going to, and they look upset and you're going to say, Ale Parat, bro. Tu pani katha karna siga? No. What I meant is a lot of people be very upset and emotional. Yeah, because all the times that you hear, you know, how she forced me to get married and then she beat me up and then she threatened me and you'll get really emotional. Yeah, you were for him. And you're hurt for me. For him. You were. And then fussy, I see. Yeah, but just imagine if he said our story the way it all went. You'd have everyone in tears. Because if I tell you our story in the way I would say it, then you all probably would laugh your head off and just crack up. That's because that's how men are. Men are. He, oh, what is he? No, but that's the thing. Men, like, you'd crack up telling people, and then us women would just have a trophy, like, I don't know, way over the top for. That was over the top! Okay. He could have just said, I'm going to put him in Lisi. anyway guys, that was the video. Let us know what you think. It was something a bit different. You know, I don't know. I don't think it's my kind of thing, to be honest. Because I like things that are a bit more moving and uplifting or entertaining that I can react and, you know, go, oh, okay, I didn't like that. It's not like I didn't like it in a, that he wasn't good or the video wasn't good. He told the story a bit well. Yeah. Don't get me wrong. I don't think the video wasn't good. I think he was good. And I think the video was good. I just don't think it was my kind of thing that I would want to see another video of someone else telling me a story. For me, it was just like, I expected the story to be interesting. It just wasn't. So, just a guy texting, wanting to be with someone, back and forth, and then finally in the end, it was like, no. And that's that. That's all you got. Anyway, guys. Thank you for watching our video. Make sure you click on the like button. Don't forget to subscribe. Share it with people you know. And ask Sreet for her Dukh Bhari Kahani in the future. And we'll see you on the next one. We should do two separate ones. Yours will be funny. Because you know what? Men are just like that. And mine will be... You didn't go through no emotions. So you didn't go through any troubles. Or I can do it in Punjabi. And you got do what it you in wanted. You married, English. You oh, married, look, someone. Someone I is. Went through a lot. Someone is really up themselves. Not in that sense. Oh, you got what you wanted. And made it like a possibly. You know what, guys? From now on, you lot might as well just call me Jadugar. Not in that sense. And guys, if you lot want to know anything magic, kissing for someone. That's what he did. Man. I'm not joking. Man, don't know secret that's done. That's what magic he did. Potion that's done. That's why we call magic flicks. Yeah. Because. Our story is very, very different. I did end the video about 5 minutes ago though. Oh, okay. I'm tired, babe. You guys, on the next one, take it easy. Bye.